नमस्कार बोलते तारे, आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। ज्योतिष शास्त्र में राशिफल के माध्यम से विभिन्न काल खंडों के बारे में भविष्यवाणी की जाती है। दैनिक राशिफल रोजाना की भविष्य का कथन करता है, जो ग्रह नक्षत्रों के चाल पर निर्भर होता है। हनुमान मंदिर में बादाम चढ़ाए और आधे बादाम वापस लाकर लॉकर में रखने से आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। लेकिन पहले आपको बताती हूँ कि अगर आपका शनि खराब होता है तो आपके सारे काम रुक जाते हैं। जीवन में आप अपने आप को समस्या से घिरा हुआ पाते हैं। तो आइए आपको पहले आज शनि ग्रह को मजबूत करने के उपाय बताती हूँ। यदि आपका शनि ग्रह कमजोर है तो आपको कम से कम 19 शनि का व्रत रखना चाहिए। अधिकतम 51 शनिवार का व्रत रख सकते हैं, इससे शनि मजबूत होता है। शनिवार को एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल भरकर रख ले। मंत्र जाप के बाद पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके पीपल के जड़ को अर्पित करें। ऐसा करने से शनि ग्रह मजबूत होता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़े, चीला, बड़ा आदि का सेवन करना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ खाना चाहिए, इससे भी शनि ग्रह मजबूत होता है। इस दिन आप फल में केले का सेवन कर सकते हैं, यह भी मददगार होता है। ये थे शनि ग्रह को मजबूत करने के उपाय। और अब राशिफल की बात करते हैं और शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। मानसिक शांति के लिए किसी दान पुण्य के काम में सहभागिता करें। रुका हुआ धन मिलेगा और आर्थिक हालात में सुधार आएंगे। सामाजिक गतिविधियां मजेदार रहेगी, लेकिन आपके रहस्य किसी के सामने उजागर ना करें। आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि ज्यादा लोग से मिलकर आप परेशान हो जाते हैं और फिर अपने लिए वक्त निकालने की कोशिश करने लग जाते हैं। इस लिहाज से आज का दिन आपके लिए बहुत ही उम्दा रहने वाला है। आज आपको अपने लिए पर्याप्त समय मिलेगा। राशिफल के बाद चलिए उपाय बता देती हूँ आपको। तांबे और चांदी का पैसा दूध और चावल में धोकर जमीन में दबाए और चावल दूध घर के बाहर किसी पौधे में डालने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और अब बात करते हैं वृष राशि की। आज आपके पास अपनी सेहत और लक्ष्य से जुड़े चीजों को सुधारने के लिए पर्याप्त समय होगा। आज घर के बाहर बड़ों का आशीर्वाद लेकर निकले, इससे आपको धन लाभ हो सकता है। रिश्तेदारों के यहाँ छोटी यात्रा आपके भागदौड़ भरे दिन में आराम और सुकून देने वाली साबित होगी। अगर आप किसी परिस्थिति से घबराकर भागेंगे तो वो आपका पीछा हर निकृष्ट तरीके से करेगा। कहते हैं कि स्त्रियां शुक्र और पुरुष मंगल ग्रह में रहने वाले हैं, लेकिन आज के दिन विवाहित शुक्र और मंगल एक दूसरे में घुल जाएंगे। और अब चलिए उपाय बता देती हूँ आपको। सफेद चंदन का तिलक लगाए स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और अब बात करते हैं मिथुन राशि की और जानेंगे मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। मौज मस्ती और मनपसंद काम करने का दिन है। आर्थिक तौर पर सुधार के चलते आप आसानी से काफी वक्त से लंबित बिल और उधार चुका सकेंगे। आपको अपना बाकी वक्त बच्चों के संग गुजारना चाहिए, चाहे इसके लिए आपको कुछ खास ही क्यों ना करना पड़े। अपने प्रिय की ईमानदारी पर शक न करें। लाभदायक दिन है, इसलिए कोशिश करें और आगे बढ़े। अच्छे मौके आपका इंतजार कर रहे हैं। अपने बच्चों को आज समय का सदुपयोग करने की सलाह दे सकते हैं। आज आपका वैवाहिक जीवन हंसी खुशी, प्यार और उल्लास का केंद्र बन सकता है। और राशिफल के बाद उपाय जान लेते हैं। गणेश चालीसा और आरती का पाठ करने से आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। और अब बात करते हैं कर्क राशि की। लंबे समय से चली आ रही अपनी बीमारी का इलाज आपकी मुस्कान से करें, क्योंकि यह सभी परेशानियों की सबसे कारगर दवा है। आज किया गया निवेश आपकी समृद्धि और आर्थिक सुरक्षा में इजाफा करेगा। खुद को घरेलू कामकाज में लगाए रखें, साथ ही कुछ वक्त अपने शौक के लिए जरूर निकालें, ताकि आपकी रफ्तार बरकरार रहे और शरीर और मन चुस्त रहे। व्यापारियों के लिए अच्छा दिन है। व्यवसाय के लिए अचानक की गई कोई यात्रा सकारात्मक परिणाम देगी। और चलिए उपाय बता देती हूँ आपको। अनंत मूल की जड़ को लाल वस्त्र में लपेटकर अपने पास रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और अब बात करेंगे सिंह राशि की और जानेंगे सिंह राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। आपके हंसी मजाक का लिहाजा किसी दूसरे को आपकी तरह से क्षमता को विकसित करने के लिए प्रेरित कर सकता है। आपसे उसे यह सबक मिलेगा कि जिंदगी की खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि खुद के भीतर ही है। अपने खर्चों पर काबू रखें और आज हाथ खोलकर व्यय करने से बचें। जिस लोगों से आपकी मुलाकात कभी कभी ही होती है, उनसे बातचीत और संपर्क करने के लिए अच्छा दिन है। आज आपकी प्रिय को आपके अस्थिर रवैये के चलते
आपसे तालमेल बैठाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अहम लोगों से बातचीत करते वक्त आपके आंख कान खुले रखिए, हो सकता है कि आपके हाथ कोई कीमती बात या विचार लग सकता है। और चलिए उपाय जान लेते हैं। अच्छे प्रेम संबंधों के लिए सफेद रुमाल जेब में रखकर जाए, परंतु ध्यान रखें कि रुमाल गंदा ना हो। और अब बात करेंगे कन्या राशि की। दूसरों की आलोचना में समय खराब ना करें, क्योंकि इसका बुरा असर आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। आज यदि आप अपने दोस्त के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं तो पैसा सोच समझकर खर्च करें। धन हानि हो सकती है। एक खुशनुमा और बढ़िया शाम के लिए आपका घर मेहमानों से भर सकता है। रोमांस के लिहाज से रोमांचक दिन है। शाम के लिए कोई खास योजना बनाएं और जितना हो सके इसे उतना रोमानी बनाने की कोशिश करें। लगता है कि आपके वरिष्ठ आज देवदूतों जैसे व्यवहार कर सकते हैं। और राशिफल के बाद उपाय जान लेते हैं। काला सुरमा वीरान स्थान में दबाने से स्वास्थ्य में सुधार होगा। और चलिए अब तुला राशि की बात करेंगे और जानेंगे तुला राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज निवेश के जो नए अवसर आपकी ओर आए उन पर विचार करें, लेकिन धन तभी लगाएं जब आप उस योजनाओं का भलीभांति अध्ययन कर लें। दोस्तों और परिवारों के साथ मजेदार समय बीतेगा। आपको प्यार में गम का सामना करना पड़ सकता है। आज कार्य क्षेत्र में आपकी किसी पुराने काम की तारीफ हो सकती है। आपके काम को देखते हुए आज आपकी तरक्की भी संभव है। चलिए उपाय जान लेते हैं। काली गाय की सेवा करने से प्रेम संबंध अच्छे चलेंगे। और उपाय के बाद अब बात करेंगे वृश्चिक राशि। अपने शरीर की थकान मिटाने और ऊर्जा स्तर को बढ़ाने के लिए आपको पूरे आराम की जरूरत है, नहीं तो शरीर की थकावट आपके मन में निराशावादिता को जन्म दे सकती है। आज आप अपने घर के वरिष्ठ जनों से पैसे की बचत करने को लेकर कोई सलाह ले सकते हैं और उस सलाह को जिंदगी में जगह भी दे सकते हैं। आपके माता पिता की सेहत पर ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है। जिंदगी में एक नया मोड़ आ सकता है जो प्यार और रोमांस की नई दिशा देगा। कामकाज के सिलसिले में आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है। और चलिए राशिफल के बाद उपाय बता देती हूँ। अच्छे पारिवारिक जीवन के लिए नहाने के जल में काले तिल काली सरसों के दाने डालकर स्नान करने से पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। और अब बात करेंगे धनु राशि की। परिवार के कुछ सदस्य अपने ईर्ष्याल स्वभाव से आपके लिए झुंझलाहट की वजह बन सकते हैं, लेकिन अपना आपा खोने की जरूरत नहीं है, नहीं तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। याद रखें कि जिसे सुधारा नहीं जा सकता उसके स्वीकार करने में ही भलाई है। आपके पास आज पैसा भी पर्याप्त मात्रा में होगा और इसके साथ ही मन में शांति भी होगी। शाम के समय सामाजिक गतिविधियां उससे कई बेहतर रहेगी। और चलिए उपाय जान लेते हैं। बड़ के पेड़ पर दूध चढ़ाए और फिर गीली मिट्टी से तिलक करें, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। और अब मकर राशि की बात करेंगे। आपको लंबे समय से महसूस हो रही थकान और तनाव में आराम मिलेगा। इन परेशानियों से स्थायी निजात पाने के लिए जीवन शैली में बदलाव लाने का सही समय है। जेवर और एंटीक में निवेश फायदेमंद रहेगा और समृद्धि लेकर ही आएगा। जरूरत के वक्त आपको दोस्त का सहयोग मिलेगा। आज का दिन प्रेम में रंगों में डूबा रहेगा, लेकिन रात के वक्त किसी पुरानी बात को लेकर आप झगड़ा कर सकते हैं। आज कार्यकाल में आपको कुछ अच्छा समाचार सुनने को मिल सकता है। यात्रा के दौरान आप नई जगहों को जानेंगे और महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी। और चलिए उपाय जान लेते हैं। एक नारियल और 7 बादाम किसी भी धर्म स्थान में दे तो लाइफ स्मूथ होगी। और अब कुंभ राशि की बात करते हैं। आप खाली समय का आनंद ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आज घर के किसी बड़े से धन संचित करने की सलाह लें। वैवाहिक जीवन में बंधने के लिए अच्छा समय है। व्यक्तिगत संबंध संवेदनशील और नाजुक रहेगी। दफ्तर में कोई आपकी योजनाओं में अड़ंगा लगा सकता है, इसलिए आंखें खोल कर रखिए और आप चारों तरफ हो रही गतिविधियों के प्रति सजग रहिए। इस राशि के छात्र आज मोबाइल पर सारा दिन बर्बाद कर सकते हैं। मुमकिन है कि वैवाहिक जीवन में ठहराव से तंग आकर आपका जीवन साथी आपके ऊपर फूट पड़े। और चलिए उपाय जान लेते हैं। गणेश जी के मंदिर में एक काला सफेद झंडा दान देने से प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। और अब अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। आपका कोई दोस्त आपसे आज बड़ी रकम उधार मांग सकता है। अगर आप उनको ये रकम देते हैं तो आप आर्थिक तंगी में आ सकते हैं। तनाव का दौर बरकरार रहेगा, लेकिन पारिवारिक सहयोग मदद देगा।
संभल कर दोस्तों से बात करें, क्योंकि आज के दिन दोस्ती में दरार पड़ने की आशंका है। अगर आप सही लोगों को अपनी क्षमता और प्रतिभा दिखाएंगे तो जल्दी ही लोगों की निगाहों में आपकी नई और बेहतरीन छवि होगी। हितकारी ग्रह कई ऐसे कारण पैदा करेंगे जिसकी वजह से आज आप खुशी महसूस करेंगे। और चलिए उपाय बता देती हूँ आपको। हनुमान मंदिर में बादाम चढ़ाएं और आधे बादाम वापस लाकर लॉकर में रखने से आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। बोलते तारे में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।